Hello everyone, welcome to Listen Up. Now our next topic is electrodynamometer. Electrodynamometer में एक moving coil होता है और एक fixed coil होता है. Okay, तो दो तरह का इसमें coil हमको देखने मिलेगा. Suppose एक coil में current जा रहा है I1 और दूसरे coil में current जा रहा है I2. इन दोनों के बीच का mutual inductance हम लोग M माने. इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस है L2. तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M एंड M इज इक्वल टू K कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ L1 इनटू L2. इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है दैट विल बी इक्वल टू I1 इनटू I2 इनटू सॉरी इस कैपिटल आई वन इंटू आई टू इंटू डी एम बाई डी थीटा एट इक्विलिब्रियम. ओके, एट इक्विलिब्रियम कंट्रोल टॉर्क शुड बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. और इसमें हम लोग जो स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू स्प्रिंग. सो टी सी विल बी के सी इंटू थीटा. KC is spring constant. So TC will be KC into theta. This is equal to I1 into I2 into dm by d theta. Or theta is equal to I1 into I2 divided by KC into dm by d theta. Now operation with DC, okay, so with DC theta is directly proportional to I1 and I2. For I1 is equal to I2, agar I1 is equal to I2 hoga, then theta is directly proportional to I square, which tells that this is non-linear. With AC, suppose I1 is Im1 sin omega t and I2 is Im2 sin omega t minus phi, where phi is the angle between these two current. So TD is equal to, deflecting torque is equal to I1 into I2 dm by d theta, right? And TD average is equal to Im1 into Im2 divided by root 2. Okay, we are taking the RMS value of these two current. So maximum current divided by root 2 is RMS value into cos phi angle between I2 and I1. So I2 is lagging I1 by angle phi into dm by d theta. Or we can write as Im1 into Im2 divided by 2 cos phi into dm by d theta. And if we equate deflecting torque with कंट्रोल टॉर्क, अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल टॉर्क से इक्वेट करते हैं तो TC क्या होता है, कंट्रोल टॉर्क, यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सो KC इनटू थीटा. ओके, तो स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो KC इनटू थीटा इक्वल टू TD करेंगे. तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू I1 इनटू I2. यहाँ पे I1 क्या ले रहे हैं, Im1 डिवाइडेड बाय I2 अंडर रूट 2. ओके, एंड I2 ले रहे हैं Im2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. सो I1 इनटू I2 इनटू cos phi डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के सी इंटू डी एम बाई डी थीटा. सो इन टर्म ऑफ ए सी वी नीड टू यूज हियर कॉस फाई. ओके, इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर होता कैसा है, यहाँ पे हम ज्वेल स्प्रिंग प्रोवाइड करते हैं और इसके थ्रू हम लोग एक मूविंग कॉइल
अटैच करते हैं। इस मूविंग कॉइल में, इस कॉइल में जो करंट होता है वो होगा मेरा I2, और यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉइल प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस मूविंग कॉइल को हम स्प्रिंग के थ्रू एक पॉइंटर में दे रहे हैं और यहाँ पे स्प्रिंग दे रहे हैं। तो इसका जो करंट है I1, ओके, इस कॉइल में जो फील्ड जनरेट हो रहा है, इस कॉइल में फील्ड जो जनरेट हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा और कुछ एक पर्टिकुलर फोर्स जनरेट करेगा जिससे मूविंग कॉइल मूव होगा और उसके थ्रू ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। यहाँ पे दो फिक्स्ड कॉइल का यूज़ कर रहे हैं हम और ये क्या है मेरा मूविंग कॉइल। अगर इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर को हमको एज ए एमीटर यूज़ करना है देन बिलो 100 एम्पियर, ये मेरा फिक्स्ड कॉइल हो गया और इसको हम कनेक्ट किए एक लोड से, देन दिस इज मूविंग कॉइल इसमें करंट है आई वन और सेम करंट जा रहा है मूविंग कॉइल में I2, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले I1 is equal to क्या हो जाएगा I2, और ये इससे एक पॉइंटर कनेक्टेड है मूविंग कॉइल से। तो यहाँ पे I1 is equal to I2 हो जाएगा जिसको हम एज ए I लिख सकते हैं एंड cos phi is equal to हम 1 ले रहे हैं। देन थीटा विल भी क्या हो जाएगा, थीटा क्या होता है I I1 into I2, तो क्या हो जाएगा I square divided by K dm by d थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि ये क्या दे रहा है आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट देगा। अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता तो एवरेज वैल्यू देता, वो सिर्फ डीसी रीड करता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या रीड करता है डीसी भी रीड करेगा एसी भी रीड करेगा। तो एसी रीड करेगा तो आर एम एस वैल्यू ऑफ द करेंट रीड करेगा। अगर एवव 100 एम्पियर हुआ तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल के बाद जो मूविंग कॉइल है उसमें हमको एक शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक यहाँ पे करंट हो गया I1 I2, ओके, ये फिक्स्ड कॉइल है ये मूविंग कॉइल। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडाइनमो टाइप वोल्ट मीटर, ऐसे वोल्ट मीटर अगर हमको काम कराना हो तो। सो इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉइल के साथ मूविंग कॉइल भी अटैच करेंगे और एमीटर में क्या किए थे हम, शंट में रेजिस्टेंस लगाए थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम सीरीज में लगाएंगे। यह है मेरा मूविंग कॉइल और यह है फिक्स्ड कॉइल। अगर सीरीज में यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ये हाई रेजिस्टेंस है तो मेरा जो सर्किट रहेगा वो हाईली रेजिस्टिव रहेगा और यहाँ पे I1 जो मेरा करंट आ रहा है फिक्स्ड कॉइल में वही करंट जा रहा है मेरा मूविंग कॉइल में। ओके, तो I1 is equal to I2 होगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर एस एंड कॉस फाई कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वन।
तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर एस इंटू के इंटू डी एम बाई डी थीटा. नाउ हियर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. ओके, तो ये भी कैसा दिखा रहा है, ये क्या रीड करेगा, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज रीड करेगा. ठीक है, ये नॉन लीनियर है. थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि एसी रीड करेगा उसका आर एम एस वैल्यू, अगर एसी वोल्टेज है तो उसका आर एम एस वैल्यू वो रीड करेगा. नेक्स्ट है एज ए वैट मीटर. तो वैट मीटर में हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, फिक्स्ड कॉइल को हम यहाँ रखेंगे और मूविंग कॉइल को हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं. नाउ इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज आई टू, और इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज आई वन. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आर एस वो कैसा है, हाई रेजिस्टेंस है. ओके, हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, आई टू का वैल्यू क्या होगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा. तो यहाँ से सपोज करो जो इनपुट करंट आ रहा है आई, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई वन, है ना. यहाँ हम लिख सकते हैं आई वन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, राइट. क्योंकि यहाँ पे I2 क्या है, बहुत कम वैल्यू होगा I2 का, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है. तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो इसमें कम करंट आएगा. सो I2 कैन बी रिटन एज V डिवाइडेड बाई आर एस. सो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, I1 वन विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I इंटू आई टू, दैट इज V डिवाइडेड बाई आर एस इंटू कॉस फाई इंटू डी एम बाई डी थीटा. और वी कैन टेल Q इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई. तो वी आई कॉस फाई क्या होता है, हम जानते हैं एक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई आर एस के आर एस, पी डिवाइडेड बाई के आर एस इंटू कॉस फाई इंटू डी एम बाई डी थीटा. और वी कैन टेल दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. नाउ नेक्स्ट इज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में ये किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरिडियम वायर. ठीक है, और इसमें मेजरमेंट कैसे होता है, दैट इज ड्यू टू एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन टेक्स अप द स्प्रिंग. ओके, सो मेजरमेंट इज डन बाई एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन टेक्स अप द स्प्रिंग, एंड एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस स्क्वायर. ओके, तो जितना ज़्यादा तुम्हारा करंट का आर एम एस वैल्यू होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा एक्सपेंशन होगा, और इसी एक्सपेंशन से हम लोग मेजर करते हैं. इट कंज्यूम हाई पावर एंड इट कैन नॉट विदस्टैंड ओवरलोड, इट कैन नॉट विदस्टैंड ओवरलोड एंड मैकेनिकल लोड. ठीक है, तो ये ओवरलोड और मैकेनिकल लोड को बेयर नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज थर्मो कपल. ओके, सो नेक्स्ट इज थर्मोकपल. सो यहाँ पे जो ई एम एफ जो जनरेट हो रहा है, दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर एंड बी इंटू डेल्टा टी स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन के बीच में हम टेम्परेचर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, और इससे जितना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो रहा है. ओके, तो दो जंक्शन के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इन दोनों जंक्शन के बीच में एक ईएमएफ जनरेट होगा, तो इसी ईएमएफ को हम मेज़र कर रहे हैं. ओके, सो ईएमएफ क्या है, यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है,
डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, दो जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट. और हीट किसका प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट स्क्वायर. ओके, आई स्क्वायर आर हम लोग लिखते हैं हीट को. सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट स्क्वायर. यहाँ पे ए क्या है? ए इज कॉन्स्टेंट और सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल. ओके, एंड ए इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई डेल टी, विच इज माइक्रो वोल्ट डिवाइडेड बाई डिग्री सेंटीग्रेड. इसका वैल्यू 40 माइक्रो वोल्ट से पर डिग्री सेंटीग्रेड से 50 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. एंड बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल, वेयर बी इज इक्वल टू ई एम एफ बाई चेंज इन टेम्परेचर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू माइक्रो वोल्ट डिवाइडेड बाई डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर. इसका वैल्यू जो है वो 1 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर टू 2 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर तक होता है. नाउ यहाँ पे टू टाइप ऑफ सेंसिटिविटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज मोर लीनियर. ओके, एंड टेम्परेचर रेंज इज समवेयर अराउंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लैटिनम रोहिडियम. एंड थर्ड इज देर इज नो फ्रीक्वेंसी एरर फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज यू विल गेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा. एंड यहाँ पे भी हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं. सो टी सी इक्वल टू के सी इंटू थीटा. सो इफ वी इक्वेट दिस टू इक्वेशन वी विल गेट टू नो दैट थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर बाई के सी इंटू डी सी बाई डी थीटा. एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. सो दिस इज यूज टू मेजर आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. सो इसके कुछ एडवांटेज है. पावर कंजप्शन इज लेस, कम पावर यूज़ करता है, एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ करता है. किसी भी तरीके का फ्रीक्वेंसी या वेवफॉर्म एरर नहीं होता है. कोई भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसमें तुमको नहीं दिखेगा. ओके, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट तुमको यहाँ पे नहीं दिखेगा. एंड दिस इज़ यूज़ फॉर हाई वोल्टेज. ओके, यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज यहीं पे क्रिएट हो जाता है दैट दिस इज़ यूज़ फॉर हाई वोल्टेज नॉट फॉर लो वोल्टेज. सेकेंड, इट इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म स्केल. ठीक है, इसका जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा. जो लोअर साइड है वहाँ पे कैलिब्रेटेड वैल्यू तुम्हारा रहेगा. और थर्ड है ऑपरेटिंग फोर्स बहुत कम होता है इसमें. सो ये तीन इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एज ए वोल्ट मीटर. एज ए वोल्ट मीटर इसको कैसे काम करते हैं? इसको एक और चीज़ बोलते हैं रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर. यहाँ पे ये हमको मेज़र करना है. ओके, वीएम हमको मेज़र करना है. और इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह का पोटेंशियल डिवाइडर है. यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या है इसका? आर. तो ये सेक्शन अगर स्मॉल आर है तो ये सेक्शन क्या होगा? आर माइनस स्मॉल आर. सो दिस विल बी इक्वल टू वीएम इंटू सप्लाई वोल्टेज वी इंटू रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्लस आर. So this will be equal to VR divided by R. Or we can tell VM by V or V by VM is equal to capital R by small
आर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ओनली आउटपुट पार्ट. ओके, सो दिस विल बी आर डिवाइडेड बाय आर, एंड दिस इज कॉल्ड एज, वी ऑल नो, वी बाय वी एम इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर फैक्टर. नाउ रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर के बाद हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर. इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें Vm जो होगा, सॉरी Vm जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V इंटू Cs डिवाइडेड बाय Cm प्लस Cs, यही होगा इसका वैल्यू. सो V डिवाइडेड बाय Vm इज नथिंग बट मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस Cm डिवाइडेड बाय सी एस. ओके, वी को हम यहाँ लेते आएंगे और फिर सी एस को हम कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस सी एम बाई सी एस. तो ये हो गया कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर. इस मेथड में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का रेंज हम इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे, इसका जो हम सी एस का वैल्यू ले रहे हैं दिस शुड बी लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर दैट इज सी एम. अगर सी एस का वैल्यू कम होगा, तो यहाँ पे M का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके, तो इसके थ्रू हम इसका रेंज को इंक्रीज़ कर सकते हैं. CS डिक्रीज़ करेगा यानी कि रेंज क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा एज M विल इंक्रीज़. सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, CS को हमको मीटर के CS को हमको मीटर के कैपेसिटेंस से कम रखना है. नाउ नेक्स्ट इज रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग को PMMC से क्या रीड करते हैं, हम लोग सिर्फ DC रीड करते हैं. अगर हमको AC वैल्यू रीड करना है PMMC मीटर के थ्रू तो हमको एक रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम एक डायोड का यूज़ किए हैं विच एक्ट एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर. एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाए हैं, डायोड का रेजिस्टेंस है RD और मीटर का रेजिस्टेंस है RM, और यहाँ पे AC सप्लाई हम कनेक्ट किए हैं. तो यहाँ पे जो VDC वैल्यू होगा, VDC जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.45 VAC, एंड IDC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.45 IAC. सेंसिटिविटी ऑफ AC इज इक्वल टू 0.45 सेंसिटिविटी ऑफ DC. इसको आप डायरेक्ट इक्वेशंस में डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में. नाउ सेंसिटिविटी क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू, सपोज सेंसिटिविटी ऑफ DC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई IDC का फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ओके, सेंसिटिविटी क्या होता है, 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्टेड करंट वैल्यू. सो VDC इज इक्वल टू IDC फुल स्केल इंटू RS टोटल रेजिस्टेंस RS प्लस RD प्लस RM. ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेंसिटिविटी ऑफ DC. सो वी कैन राइट दिस वन एज सेंसिटिविटी ऑफ DC इज इक्वल टू इंटू VDC इज इक्वल टू RS प्लस RD प्लस RM. एंड VDC इज इक्वल टू 0.45 VAC. सो वी कैन राइट sensitivity of DC into 0.45 VAC is equal to RS plus RD plus RM. And reading of instrument will be equal to form factor इंटू PMMC रीडिंग. ठीक है, तो जो PMMC में रीडिंग आएगा उसको हम जो भी है हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसके फॉर्म फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा. और यहाँ पे कितने जगह क्वेश्चन पूछेगा आपको RS फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे RS क्या हो जाएगा, RS विल बी इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ DC इंटू VDC, और VDC वी कैन राइट इट एज 0.45 VAC माइनस RD माइनस RM. ये हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में. नाउ फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगा, IDC वहाँ पे हम लोग 0.45 लिए थे, यहाँ पे हम 0.9 लेंगे. IDC इज इक्वल टू 0.9 IAC
and sensitivity of AC is equal to 0.9 sensitivity of DC. VDC is equal to 0.9 VAC. So we can write VDC divided by IDC full scale deflection is equal to RN plus RS प्लस यहाँ पे RD होगा अगर हम सेंटर टैप का यूज़ कर रहे हैं और 2RD होगा अगर हम ब्रिज टाइप यूज़ कर रहे हैं ओके क्योंकि ब्रिज टाइप में एक साइकिल में वहाँ पे दो रेजिस्टेंस बीच में आते हैं तो 2RD रहेगा सो RS विल बी इक्वल टू VDC इज इक्वल टू 0.9 VAC एंड 1 डिवाइडेड बाई IDC इज सेंसिटिविटी So this can be written as sensitivity of DC minus RM plus RS. Okay, इन दोनों टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे सॉरी 2RD हमें RS फाइंड करना है यहाँ पे सो इसमें भी रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी इक्वल टू फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज 1.11 इंटू PMMC रीडिंग थैंक यू